ओवैसी बैरिस्टर है, कानून की बात करता है, संविधान की बात करता है, संविधान से बाहर जाकर के बात नहीं करता। लेकिन फिर भी आप लोगों को याद दिला दूं और बता दूं कि ओवैसी साहब पे लगभग 15 से 20 मुकदमे चल रहे हैं, 15 से 20। आदाब, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाफिया अंजुम। आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव 4 मई को होने हैं, उसी को लेकर सभी प्रत्याशी नगरपालिका अध्यक्ष पद के दावेदार के रूप में चुनावी मैदान में हैं। नगरपालिका नजीबाबाद के MIM प्रत्याशी अब्दुल्ला गुलजार ने जाप्तागंज पहुंचकर एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में बसपा सपा पर निशाना साधा। AIMIM के प्रत्याशी अब्दुल्ला गुलजार ने जनता से पतंग को वोट देने की अपील की। सभा में MIM के प्रत्याशी अब्दुल्ला गुलजार का सभी बिरादरी के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर बिरादरी के जिम्मेदार लोगों ने अपना पूर्ण समर्थन दिया। इस मौके पर सभी बिरादरी के लोगों ने कहा कि नजीबाबाद में समझदार, पढ़े लिखे, काबिल व्यक्ति के रूप में अब्दुल्ला गुलजार ही विकल्प हैं। बीती रात हकीमों के चौराहे पर आयोजित बैठक में सभी लोगों ने कहा कि मौजूदा हालात में अब्दुल्ला गुलजार से बेहतर वे काबिल व्यक्ति कोई और नहीं है। हर मुश्किल वक्त पड़ने पर वो जनता के काम आए हैं। सभा में AIMIM प्रत्याशी अब्दुल्ला गुलजार ने मोहल्ला मुगलू शाह की जनसभा में जल भराव का मुद्दा उठाकर लोगों के जख्म हरे कर दिए। अब्दुल्ला गुलजार ने आगे कहा कि वो आगे भी समाज के समस्त वर्गों को साथ लेकर शहर की समस्याओं को मिलकर हल करेंगे। जो वादे किए हैं उन्हें वो पूरा करेंगे। सभी को साथ लेकर कार्य किया जाएगा। स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर अहम कदम उठाए जाएंगे। शिक्षा व स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जाएगा। शहर चाहता है बदलाव, हम बदलाव की ओर कर रहे हैं काम। MIM के प्रत्याशी अब्दुल्ला गुलजार ने जनता से अपील की है, आने वाली 4 तारीख को पतंग के निशान पर मोहर लगाकर कामयाब बनाए, आपकी अपनी कामयाबी होगी। एक तो गुजारिश मैं आपसे करना चाहता हूँ, मेरे दोस्तों टाइम नहीं है, आज आखिरी प्रोग्राम है, कल से टाइम खत्म हो जाएगा। आप लोगों से गुजारिश ये है कि हो सकता है मैं हर किसी के घर पे ना गया हूँ, पिछले 2 सालों से बहुत ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ, हो सकता है आपके घरों पर ना पहुंचा हूँ, हो सकता है आपके सबके नाम मुझे याद नहीं है। नाम इसलिए याद है क्योंकि मैं बहरूपिया नहीं हूँ, दिल से याद करता हूँ, नामों से नहीं। तो हो सकता है आप लोगों की ये शिकायत हो कि हम अब्दुल्ला भाई को देखना चाहते हैं, पोस्टरों पर बैनरों पर को देखा होगा, तो प्लीज इस चीज को माइंड ना करें। मैं आप सब लोगों से देख दिया मोहब्बत करता हूँ, आप लोग भी अपनी मोहब्बत का जज्बा दिखाइए और मुझे वोट दीजिए। इंशाल्लाह मुलाकातें होती रहेंगी। मैं भी नजीबाबाद का हूँ। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।